नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी भोजपुरी पर। तो आज हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं गूगल डॉक का, कि आप गूगल डॉक में टेबल कैसे यूज कर सकते हो, दो सेल को कैसे मर्ज कर सकते हो, आप रो और कॉलम कैसे ऐड कर सकते हो या कैसे डिलीट कर सकते हो। तो मतलब गूगल डॉक में हम टेबल कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारा डिटेल हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपना गूगल डॉक में। तो देखो, ये मेरा गूगल अकाउंट है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने नाम से लॉग इन है। तो मुझे अब गूगल डॉक ओपन करना है। तो गूगल डॉक ओपन करने का यहाँ से दो मेथड है, एक या तो आप डायरेक्ट यहाँ से गूगल डॉक पे क्लिक करके आप गूगल डॉक ओपन कर सकते हो। तो ये है मेरा गूगल डॉक। अब मैं एक ब्लैंक गूगल डॉक लेता हूँ, या पुराना में भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट मैं फ्रेश ही ले रहा हूँ। तो ये मेरा एक नया गूगल डॉक है, इसमें मुझे टेबल के बारे में देखना है। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट पे, देखो इंसर्ट सबसे ऊपर है, यहाँ पे व्यू के बगल में आप इंसर्ट पे क्लिक करो। इंसर्ट के बगल में आप टेबल दिख रहा है, टेबल पे आगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या लेना है, कितना रो कितना कॉलम या क्या लेना है। तो लेट से मैं एक 4 × 4, हाँ 4 × 4 एक टेबल ले लेता हूँ, जिसमें 4 रो 4 कॉलम है। तो ये जैसे हो गया, अब मैं इसमें लेट से ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मैं इस चारों रो का कॉलम का नाम दे दिया। अब मान लो इसे मुझे क्या करना है, सेंटर करना है। तो सारे को सेलेक्ट कर लो, सारे फाइल को यदि आपको सेंटर करना है तो यहाँ से देखो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट से आप इसे सेंटर ले लो, सारा सेंटर हो गया। तो इस तरह से हम अपने टेबल क्रिएट कर लिए हैं। अब यदि इसमें मान लो मेरे को एक रो या कॉलम ऐड करना है या रिमूव करना है, तो कैसे कर सकते हैं ये देखो। तो सबसे पहले लास्ट वाले कॉलम पे आ जाना, इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके देखो यहाँ पे इंसर्ट रो एबल, इसके ऊपर यदि आपको रो देना है तो आप इस पे क्लिक कर दो, इसके आ गया ऊपर। यदि इसके नीचे करना है तो देखो इंसर्ट रो बिलो, तो नीचे आ गया। तो इस तरह से आप ऊपर नीचे रो ऐड कर सकते हो। यदि आपको कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पे देखो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और टू द राइट, मैंने लेफ्ट में कर दिया। और मान लो मैं यहाँ से राइट में करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम यदि राइट में डाल दिया तो राइट में आ गया। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम कभी भी ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। लेट से मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो देखो डिलीट रो डिलीट कॉलम, कॉलम को मेरे को हटाना है तो हटा दिया। अब इस कॉलम को हटाना है, इसमें क्लिक करो, यहाँ पे डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दो, डिलीट हो गई। इसी तरह से यदि मेरे को रो हटाना है, इस रो को हटाना है तो डिलीट रो पे क्लिक करो, ये रो हट गया। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये चीज़ें तो हो गई। अब मान लो मुझे दो कॉलम को मर्ज करना है, तो मान लो इस दोनों को हम मर्ज करने की प्लान कर रहे हैं, तो इस दोनों पूरा को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद देखो नीचे यहाँ पे मर्ज कॉलम का ऑप्शन होगा, मर्ज सेल का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर दो और ये दोनों मर्ज हो गया। तो देखो अब मान लो मर्ज हो गया। अब इसमें मान लो हम किसी कोई चीज डाल देते हैं डिलीट, अब इसको सारा के लिए डिफॉल्ट डाल दिए थे, ये बीच में डाल दिए कि दोनों कलम के लिए आ गया, मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हैं डिलीटेड है। इस तरह से आप कोई भी कमेंट्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि आप अपने गूगल डॉक में टेबल कैसे ऐड कर सकते हो, उस टेबल में कभी भी रो कैसे ऐड कर सकते हो, कॉलम कैसे ऐड और डिलीट कर सकते हो, और दो सेल को आप कैसे मर्ज कर सकते हो। तो ये था आपका वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और यदि गूगल डॉक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में डालो, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।